जो ये इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, ये हमारे कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है संतूर। जब पहले ज़माने का जो था सूफियाना मौसीकी, यहाँ कश्मीर का जो जैसे इंडियन क्लासिकल है वैसे हमारे यहाँ पे सूफियाना होता था, उसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता था वो यही संतूर होता था। उसके बाद ये इंट्रोड्यूस हो गया बॉलीवुड में। बॉलीवुड में जब इंडियन क्लासिकल में पहले था स्टार्टिंग ये, तो फिर फिल्म म्यूज़िक में स्टार्ट हो गया उसके बाद। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं असल में यही कहीं जो उस्ताद थे यहाँ कश्मीर में, उस्ताद तिब्बत बकाल साहब जो कश्मीर के थे, तो आज जो लगाव है यहाँ म्यूज़िक कश्मीर यूनिवर्सिटी में इसके क्लासेस दिए जाते हैं, बीए म्यूज़िक जहाँ पे बीए की डिग्री हो रही है, और एमए म्यूज़िक हो रहा है दिल्ली में, जिनके उस्ताद हैं भजन शोपुरी साहब, और यहाँ के जो उस्ताद हैं उनका नाम है आदिल तिब्बत बकाल। तो मैंने मास्टर्स किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी में इसी इंस्ट्रूमेंट में। आज मैं आपको अपने म्यूज़िकल जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने कब से स्टार्ट किया है और कहां से सीखा है और कितनी मुश्किलात झेलनी पड़ी इसके लिए। तारक ओपन माइक, स्टोरीज दैट इंस्पायर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है साहिल संतूर। आप मुझे सुनते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और सडनली मैंने इंट्रोड्यूस किया है संतूर म्यूज़िक मैरिज फंक्शंस में जो आप सुनते हैं, जहाँ पे मुझे लोग जानते हैं। तो मैंने जो स्टार्ट किया है 2013 में मैंने स्टार्ट किया है संतूर म्यूज़िक। उससे पहले मैंने एज ए एक्टिंग में स्कॉलरशिप लिया है दिल्ली से, CCRT से, सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्स ट्रेनिंग से। तो मैंने एज ए यंग स्कॉलरशिप लिया है दिल्ली से, एक्टिंग में मैंने लिया है 2013 में। तो इस संतूर को मैंने प्ले किया है 2013 से। उससे पहले मैं प्ले करता था साजिक कश्मीर, जो हमारा कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट है, सूफियाना म्यूजिक में वो प्ले करता था मैं। तो उसके बाद मैंने संतूर को पकड़ा। संतूर में एज ए म्यूजिशियन प्ले करता था ग्रैंड पैलेस ललित में, वहाँ पे मेरा 3 दिन परफॉर्म रहता था। उसके बाद मैंने इसी में डिग्री की है, मैंने आउट ऑफ स्टेट हर स्टेट में परफॉर्म किया है। तो बेंगलोर में मैंने एज ए एक्टर परफॉर्म किया है, न्यूयॉर्क पे हमारे शोज रहते थे जहाँ से हमें आते थे ट्रेनिंग देने के लिए, मुंबई से आर्टिस्ट आते थे ट्रेनिंग देने के लिए। तो मैंने पहले गिटार लाया घर में, पहले मैंने गिटार लाया तो भाइयों ने बोला कि नहीं, म्यूज़िक यहाँ पे अलाउड नहीं है, आप म्यूज़िक नहीं प्ले कर सकते हो घर में। तो भाइयों ने बोला कि नहीं, आप हम घर में कोई म्यूज़िक के साथ नहीं करते हैं, मेरे पापा जो हैं वो पहले करते थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया उसके बाद। तो मेरे भाइयों ने जो मना किया है, उसके बाद मैंने एक रूम लिया है किराए पे, जहाँ पे मैंने एकेडमी भी खोली थी, विलायत खान म्यूज़िक हब। तो ये बहुत पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है ये। तो फिर मैंने वही पे अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो थे मेरे, साजी कश्मीर और संतूर भी था, गिटार भी था, ये मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहीं पे रखता था क्योंकि घर में अलाउड नहीं करते थे पहले। उसके बाद हमारा जो इंस्टीट्यूट था म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट, वो हमारे यहाँ राजबाग में था। तो वहाँ पे आ गए थे ग्रैंड पैलेस से 2 मैनेजर आ गए थे, उनको एक म्यूजिशियन चाहिए था वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए 2 घंटे के लिए। तो फिर मैंने बात की थी उनसे, वहाँ पे मैंने एज ए म्यूजिशियन काम किया है, 7 ईयर मैंने वहाँ पे काम किया है। तो फिर बहुत अच्छा लगता था, जो बाहर के आर्टिस्ट आते थे वो बहुत अच्छा फील करते थे कि यहाँ पे इतना अच्छा म्यूज़िक मिलता है सुनने को, और ये कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट, मतलब कश्मीर का ही इंस्ट्रूमेंट हमारा यहाँ का है। तो वो जब देखते थे इंस्ट्रूमेंट को भी, उन्होंने देखा नहीं होता था पहले, तो फिर वो बोलते थे कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ये कहाँ का इंस्ट्रूमेंट है। मैं बोलता था जी ये कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट है। फिर वो कुछ फरमाइश भी करते थे बॉलीवुड सॉन्ग्स की, जिनको मैं प्ले करता था। तो उसके बाद मैंने काम किया, उसके बाद मैंने एज ए म्यूजिशियन गया फॉर्चून ITC में, उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, ताज वालों ने भी मुझसे कॉन्टेक्ट किया। तो उसके बाद मैं वहाँ पे एज ए म्यूजिशियन परफॉर्म करता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे मेरा वहाँ पे परफॉर्म होता है। तो वहाँ पे एज ए म्यूजिशियन मैं परफॉर्म करता हूँ, 2 घंटे का परफॉर्म होता है मेरा। तो ये जो म्यूज़िक में मेरा जो ये हो गया, मतलब रहन सहन कैसा हो गया इस म्यूज़िक के साथ मेरा, मेरे 2 दोस्त थे बचपन की बात है, लगभग मैं 15 साल का था उस टाइम। तो मेरे 2 दोस्त थे, वो सीखने जाते थे कहीं पे मेरे मासा के यहाँ पे, जिनका नाम है मोहम्मद इस्माइल भट्ट, जो सूफियाना के उस्ताद रहे हैं यहाँ पे। तो वो उनके पास क्लासेस देने जाते थे, मुझे पता नहीं था, मैं उनके साथ खेलता था। तो फिर मैंने उसके साथ बाद उनके साथ जाना स्टार्ट किया, मैंने बोला मैं भी देखूं वहाँ पे क्या हो रहा है, और अच्छा तो म्यूज़िक तो सबको अच्छा लगता है सुनने में। तो जब मैं भी गया तो उसके बाद मैंने काम किया, मेरा भी शौक हो गया कि मैं भी करूं इसके साथ। तो मैंने स्टार्ट किया है तबले से, उसके बाद मुझे भी शौक हो गया कि मैंने भी थोड़ा सी क्लासेस दिए वहाँ पे। फिर जो हम सीखते थे, फिर फॉरेनर्स आते थे वहाँ पे, तो वो हमें कुछ मिठाई खिलाते थे, तो फिर हम खुश होते थे, बहुत खुश होते थे, क्योंकि हम छोटे बच्चे थे तब, तो हमें वो बहुत बड़ा एक इनाम लगता था उस टाइम।
तो हमारे ड्रेसेस भी होते थे जो हमारे सूफियाना मूसीके में हमारे अपना कल्चर के ड्रेसेस होते हैं, वो फेरन वगैरह, मतलब हमारे कुर्ता पजामा जो होता है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ड्रेसिंग मैच करती है, मतलब ड्रेसिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। जब भी हम कहीं पे परफॉर्म करें, कहीं पे भी जाए एज ए आर्टिस्ट, हमारा मतलब जो बैकग्राउंड है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा चलना है, वो हमारा सब कुछ अच्छा होना चाहिए। उसके बाद मैंने काम किया, उसके बाद मैंने जम्मू में स्कॉलरशिप लिया, जम्मू एकेडमी से। 2008 की बात है ये, जब मैंने वहाँ पे स्कॉलरशिप लिया। तो उसके बाद मैंने काम किया, उसके बाद मैं यहाँ पे हम परफॉर्म करते रहते थे, हमारे दूरदर्शन में इवेंट्स होते थे, एकेडमी में इवेंट्स होते थे, या टाइगर हॉल में हमारे परफॉर्मेंस होते थे, जो मेरा हमारा ग्रुप है सूफियाना मूसीकी का। तो उसके बाद मैंने काम किया, 2013 में मैंने इस संतूर को मैं डिग्री की कश्मीर, यहाँ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट हमारे यहाँ राजबाग में था उस टाइम। तो फिर जब बाढ़ आ गई, उसके बाद हम शिफ्ट हो गए कश्मीर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद हम शिफ्ट, हमारा जो डिपार्टमेंट है, तो उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गया कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे मैंने 2 साल दिए हैं यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे मैंने 3 साल दिए हैं राजबाग में। और जो हमारे यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं, उनका नाम है आदिल तिब्बत बकाल। आपने सुना ही होगा तिब्बत बकाल का नाम, तो आपने सुना ही होगा, जो एक बड़े उस्ताद थे संतूर के, जिन्होंने यहाँ पे संतूर सिखाया है। शिव कुमार शर्मा जो है उस्ताद, बड़े उस्ताद हैं इसके, तो उन्होंने भी आदिल तिब्बत बकाल से ही क्लासेज ली हैं। तो जो तिब्बत बकाल साहब जो हैं, वो यहाँ रेडियो कश्मीर में एक नाम है उनका, बड़ा पहचान है उनकी। तो वो जो हैं, उनके बेटे हमें सिखा रहे हैं अभी, उनकी जिनका नाम है आदिल तिब्बत बकाल। तो हम उनसे क्लासेज लेते थे एज ए इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में। तो उसके बाद मैंने थोड़ा मतलब इसमें अपना ही एक चलाया कि फोक म्यूज़िक में इसमें कैसे प्ले करूं। तो फिर जब हम कॉलेज में जो है यूनिवर्सिटी में इंडियन क्लासिकल में हम सीखते थे, इंडियन क्लासिकल में हम क्लासेस देते थे, उसके बाद मैंने इस इंस्ट्रूमेंट में फोक म्यूज़िक प्ले करना स्टार्ट किया। जैसे हम आप सुनते हैं मुझे, मैं जो भी कश्मीरी हमारे फोक सॉन्ग्स हैं उनको मैं संतूर पे प्ले करता हूँ, और कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स भी मैं प्ले करता हूँ आपके सामने, मैं थोड़ा सा एक प्ले करता हूँ जो हमारे कश्मीरी फोक सॉन्ग्स हैं। आपके सामने ट्यून प्ले किया है, यह है कद फुलहमा लो गुलाब लो, और मैंने प्ले किया है रोश वाला मैनी दिल बरो पोशन बहारा यूर बलो। तो ये हमारे सारे जो यहाँ के हैं फोक म्यूजिक हैं, और फोक म्यूजिक में हम संतूर प्ले करते हैं। जहाँ पे हमें पीसेस चाहिए, जहाँ पे हमें बीच में म्यूजिक चाहिए, उसमें हम संतूर प्ले करते हैं। अगर आपने सुना होगा गुलाम हसन सूफी का, जो जितने भी उनके गज़ल्स हैं, जिनके भी उतने कलाम्स हैं, तो उसमें हर किसी सॉन्ग में संतूर इंट्रोड्यूस किया है। जिनको म्यूज़िक की नॉलेज होगी, उनको पता ही होगा इसमें जो हमारा ये संतूर है, पहले जब होता था ना, जब सूफियाना में यूज़ होता था ये, इसमें खाली शुद्ध नोट्स यूज़ होते थे। शुद्ध होते हैं जिनको हम मेजर बोलते हैं म्यूजिक लैंग्वेज में, मेजर और माइनर, और इंडियन क्लासिकल में उनको बोलते हैं शुद्ध एंड कोमल। सूफियाना की लैंग्वेज में भी उनको बोला जाता है कि शुद्ध एंड कोमल। जो इसके शुद्ध नोट्स हैं वो लेफ्ट साइड में हम प्ले करते हैं इनको, जैसे आप देख सकते हो सारे गामा पादा नीसा, इनका नाम है शुद्ध नोट्स। और अब हम प्ले करेंगे माइनर वाले, जैसे हम गिटार मतलब जो हमारी वेस्टर्न नॉलेज लैंग्वेज है, म्यूजिक थ्योरी है, उनमें हम बोला जाते हैं माइनर, तो हमारी लैंग्वेज में उनको बोला जाता है कोमल सुर। सारे गामा पादा नीसा, ये हमारे कोमल नोट्स हैं, इसमें प्ले होते हैं।
और हम जब कोई भी जब हम म्यूजिक बनाते हैं या कोई भी सॉन्ग हम प्ले करते हैं तो उसमें हमें कभी किसी सॉन्ग में हमें माइनर भी यूज़ होते हैं और मेजर मेजर नोट्स भी यूज़ होते हैं। और जो ये संतूर हैं, जो ये संतूर हैं, पहले हम सूफियाना म्यूजिक में प्ले करते थे। पहले ज़माने में जब ये इंस्ट्रूमेंट आया था, उसके बाद हम सूफियाना म्यूजिक जो होती थी उसमें हम प्ले करते थे। जो उसका मेन इंस्ट्रूमेंट होता था वो यही इंस्ट्रूमेंट होता था। उसके बाद जो हमारे फोक म्यूजिक है यहाँ का, जो हमारे गजल्स हैं, छकरी हैं, छकरी में ये यूज़ नहीं होता है, तो जो हमारे फोक सॉन्ग्स हैं उसमें ये यूज़ होता है ये इंस्ट्रूमेंट। तो जब इसके पीसेस बजाए जाते हैं, या बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आप देख सकते हो किसी किसी मूवी में जिसमें संतूर प्ले हुआ है, तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लगता है जब सुनने में। और जो ये फोक म्यूजिक है कश्मीर में, जो भी सुनते हैं, जो मुझे लगता है, मैं एक बार परफॉर्म कर रहा था, एक मैरिज फंक्शन में मैं परफॉर्म कर रहा था, तो एक बुज़ुर्ग आए वहाँ पे, मैं प्ले कर रहा था वहाँ पे, तो मुझे लगा कि शायद इनको अच्छा नहीं लगा। मैं अब अपने हाथों को कंट्रोल ही कर रहा हूँ, शायद इनको अच्छा नहीं, इनको बुरा लगा। तो जब मैं वो निकले, वो मेहमान सारे निकले, तो वो मेरे पास आ गया लास्ट में, बोला बेटा आपने इतना अच्छा बजाया, इतना अच्छा बजाया, हम पहले सुनते थे, अब हमने आज हमने बहुत टाइम के बाद सुना, हम दोस्त तब बात कर रहे थे कि ये कितना अच्छा प्ले कर रहा है, और आज आपने हमारी पुरानी यादों को ताज़ा किया है। तो फिर मुझे भी खुशी हो गई कि थोड़ा सा अब, मतलब जब से इंट्रोड्यूस किया है मैंने मैरिज फंक्शंस में, वहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं इनवाइट पे, और यंग जनरेशन भी आती हैं, सबको अच्छा लगता है, मतलब कोई नाराज़ नहीं होता है, कोई गुस्सा नहीं करता है, बोलता है कि ये सबसे बेटर म्यूज़िक है। जैसे मैंने आपको बोला था पहले ही कि जब मैंने स्टार्ट किया था म्यूज़िक, तो घर में अलाउड नहीं करते, भाई अलाउड नहीं करते, मेरी मम्मी और पापा ने सपोर्ट मुझे किया है। तो उसके बाद मैंने काम किया, जब मैंने स्कॉलरशिप भी लिया, उसके बाद घर वाले थोड़ा खुश हो गए। उसके बाद मैं आउट ऑफ स्टेट जाने लगा, कंटिन्यू आउट ऑफ स्टेट में मेरे परफॉर्म रहते थे, तो घर वालों को वो चीज़ अच्छा लगता था। और जो हक हमसाया भी थे वो भी फिर सपोर्ट करने लगे, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, और जो हमारे उस्ताद हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया है। और इस इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए या म्यूज़िक को सीखने के लिए हमें सबसे एक चीज़ करना है, हमें सब्र करना है। देखो, कोई भी अगर हम चीज़ को इस्तेमाल करना चाहेंगे, उसके लिए हमें सब्र चाहिए। जब सब्र होगा तब इंसान मतलब इसमें दाखिल हो सकता है, वरना हमें इंस्ट्रूमेंट, देखो अगर हमें इंस्ट्रूमेंट सीखे या कोई भी हमें चीज़ को हासिल करना होगा, उसके लिए हमें सब्र करना होगा और मेहनत करनी होगी। फिर जब इंसान थोड़ा सा रेगामा पादानी सा इसका मैन है म्यूजिक इंडस्ट्री, म्यूजिक लैंग्वेज में, तो जब हम ये प्ले करेंगे, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा इसको समझ आता है, मुझे कहाँ से प्ले करना है, मुझे क्या प्ले करना है। मैं यंग जनरेशन से कहना चाहता हूँ कि जो हमारा ये फोक म्यूजिक है, कश्मीर का म्यूजिक है, इसको हमेशा ज़िंदा रखे। जब भी हम कभी आउट ऑफ स्टेट में जाए, आउट ऑफ कंट्री में जाए, तो हमारा एक पहचान हो, फोक म्यूजिक की पहचान हो हमारी, जो हमारी कश्मीर की है, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे जदों ने सीखा है, जो हमारे जद प्ले करते थे, उसकी हमारा एक जान और पहचान होनी चाहिए। और जब हम किसी को प्ले करते हुए सुने या किसी को देखें, उसको भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अब मैं जाते जाते आपको एक फोक म्यूजिक प्ले करूँगा, फोक सॉन्ग प्ले करूँगा, वह हवाई पोशे आई लूलू।